सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ संध्या राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है, नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी अपने घर से। और आज मौसम ना रात से क्या कि दो तीन दिन से इतनी तेज़ बारिश आ रही है और अभी भी बारिश लगातार आ रही है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। और अभी मैं बारिश में छाता ओढ़ के ना ब्लॉग बना रही हूँ अपने घर से। और देख सकते हैं चारों ओर कितना कोहरा लगा हुआ है, कोहरा छा रखा है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और खेतों में देख सकते हैं नीचे पूरा पानी भर रखा है और जो कन के हैं ना हमारे शौर्य के, तो कन के पूरे पानी में तैर रहे हैं। तो और मुझे जाना है अभी, कल है हमारे बड़े वाले ससुर जी का श्राद्ध और हमको जाना है वहाँ पे चावल बिनने। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के सूप लेके अपने घर से थोड़ा आगे, और चावल बिनने मुझे वहाँ पे जाना है क्योंकि मार्केट से चावल ला रखे होते हैं तो उनमें वगैरह जो भी होते हैं कंक्रीट वगैरह, तो उनको निकालने हम लोगों को पड़ता है। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि बारिश में खेतों का क्या हाल हो रखा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ सामने पे जो आपको कन का दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए शहरों में पूरा कितना पानी वहाँ पे जमा हो रखा है। और ऐसे में जो ये धान है हमारे, जो ये धान की फसल है, तो इसको काट के भी क्या फ़ायदा। तो देख सकते हैं सारे बीच बीच में बारिश से कैसे धान नीचे गिर रखी है। और नीचे तक देख सकते हैं ये जो हमारे यहाँ पे समार में जो धान के कनके हैं पूरे बारिश से ना, और ये पराली भी सारी बर्बाद हो गई है। तो इतनी तेज़ बारिश आजकल पहाड़ों में आ रही है, फिर से लग रहा है कि बरसात जैसा। तो चलो चलती हूँ मैं अपने सूप को लेके सामने वाले घर पे। तो मुझे जाना है ये सामने वाले घर पे, और देखिए इतना कोहरा लगा हुआ है कि चारों तरफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही पास पास के खेत नज़र आ रहे हैं कोहरे में। और ये वाले घर पे मुझे जाना है। देखिए बारिश आ रही है और ये लोग जा रहे हैं घास के लिए ना। बरकम भी ले गया बेटा, गाय तो क्या जाऊँगा, गाय चरण ले जा दो। देखे सासू जी की लाठी सुटी क्या क्या है जूड़ी बरसात के लिए नहीं वोटी में शर्म लगने यहाँ पे रन कोट पहनने में शर्म आ रही है, बोले खेत में जाके पहनेंगे बरखा कड़ा बरखा होने ने। तो ये होता है पहाड़ी महिलाओं का संघर्ष इतनी बारिश में भी, और कड़ी धूप भी होती फिर भी जाना ही पड़ता। अपना तो पेट पूजा कर लिया वे गुरबा चलो के खान मेरे सहते यार। तो ये देखिए आ गई मैं गौशाला में, और मेरे गाय डर गई मेरी आवाज़ सुन के, भीग गई बारिश में पूरी। इसको बांधना है अंदर, चलो अंदर बांधती हूँ अभी। गाय को बांधने के बाद जा रही हूँ मैं घर रास्ते में, और ये बारिश ने ना सारा पता नहीं काम ही ख़राब कर दिया, ना कहीं जाने के लिए हो रहा है ना कुछ। और सारी गाय भी अंदर हैं, घास भी लाएंगे कैसे लाएंगे, भीगने का मन भी नहीं कर रहा है। एक टाइम होता तो फिर ये फंस गया ऊपर, एक टाइम होता तो इस टाइम पे जाने के लिए होता, लेकिन दोनों टाइम बारिश आ रही है, क्या करें। Thank you.
अभी शाम के टाइम जा रहे हैं हम चावल बिनने, क्योंकि सुबह मैं आप लोगों को बता रही थी तो बारिश की वजह से नहीं जा पाए, और बारिश ना अभी भी बंद नहीं हुई, लेकिन अभी जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं चारों ओर कितना कोहरा छा रखा है, और कहाँ पत्थर फेंक रहा दूँ। ओछन बानर बानर के खाना दिए बनर तेर क्या खाना बहुत ज़्यादा खाना क्या खाना जन तो अखी भगा रहा है बंदर को। तो चलो चलते हैं हम इधर के लिए। ये कौन है? भाई प्रणाम। प्रणाम, ये है भांजा प्रणाम। वहां से कर रहा कुत्ता प्रणाम। आज से प्रणाम ठीक थी ना? कब आए? आज। ये हमारे भांजा भांजी आज हैं। हाँ। कौन सी तिमाम को ये क्या तो कौन को बैठे अरे तो ये देख सकते हैं बारिश लगी हुई है, और कितने सारे बर्तन लगा रखे हैं। जो ऊपर से पानी आता है ना यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पड़दरी पर। पड़दरी पे पानी लगा रखा है, बाल्टी लगा रखी है यहाँ पे। मैं देखे हमारे पहाड़ी काकड़ी दिखा दे रहे हैं। ककड़ी लगी हुई है, एक दो कितने बंगचे लगे रखे हैं। इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में बंगचे। टेढ़ी मेढ़ी ककड़ी होती है उसको बंगचे होते हैं। कौन कौन का जी पता नहीं भाई। तो हमने ना यहाँ पे त्रिपाल बिछा दिया है, और इसमें यहाँ पे हम चावलों को नीचे गिराएंगे, फिर जो सूप होते ना कहाँ गए हमारे सूप, पता नहीं कहाँ रख लिया इसने। ये तीन के सूप हैं, पहले होते थे लाल के सूप, अब तो फिकर होते हैं, और सूप हैं तो हम इनसे चावलों को साफ करेंगे। और ये होता है पहाड़ का पाथो, दो किलो का ये होता है। तो पुराने लोग ना, जो पुराने लोगों का जो ये तोड़ने वाला नापने वाला होता था ना, तो यही होता था। अब के तो पता नहीं, तराजू तराजू भी आ रहे हैं ना कि। और ये था पहले लोगों, पहले लोग जो पुराने लोग हैं उनके जो अनाज भरते थे ना वो लोग, तो इसी पाथे से भरते थे। ये देखिए ये है हमारी पहाड़ी पाथी, ये होता है तांबे का ना कि। देखिए तो ये है घर के चावल, जो हमारे घर में जो धान होते हैं ना, तो उसके चावल हैं ये। चक्की पे कुटा रखे हैं, और अभी हम इनको साफ कर रहे हैं, मतलब इनको जो भूसा है इसको निकाल रहे हैं। तो देखे ना ये मेरे सास की जो है बालों पे मेहंदी लगा रहे, आज तक लग रहे हैं रंग देती है सूख जाने की बात। अरे ये दोनों रुचि आ रही है बुलाने की बात। वहाँ जाना था हमने, कहाँ रूम सी है, बाल थी बहुत चिट्टे है, हमने सोचा चलो बे। अच्छा इसलिए तुमने छतरी पकड़ा, इसलिए तुमने बालों पे मेहंदी लगा दी। देख क्या आए थे हमारे सासू जी के डायलॉग, और गौशाला जाना, गौशाला जाना भाई, बरखा पानी बरखा पानी बहुत व्यस्त हुए। अच्छा आजकल काम में बिजी थे, और मौसम ने पता क्या कर दिया, जो पहाड़ के महिला है ना इतनी जबरदस्त धान हो रही थी पहाड़ में, और आजकल दो दिन से रेस्ट पे हैं, आराम ही आराम है। मौसम ने उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर दिया, क्या होगा, रेस्ट होना चाहिए ना। हाँ यार, हाँ रेस्ट भी जरूरी है ना। धान लाई थी, हाँ
वो वहाँ पे छोड़ दिया। हाँ। तू कहना भी कहाँ है? हाँ यार, धूप नहीं आ रही। धूप नहीं आ रही है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, जो होगा वो देखी जाए। बस क्या किया जाए, जो होगा वो देखी जाए। तो आज अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ गौशाला। जा रहे हैं गौशाला। चलो भाई, मैं यहाँ बैठ जाना। आ जाना तो कोई नहीं, कोई नहीं यार, जा दो तब। चलो मैं भी जा रही हूँ गौशाला में, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा न करते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसे लगा आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।